व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपके? आई होप बढ़िया होंगे गाइस, बढ़िया। और हम जा रहे हैं अभी किच्चा घूमने के लिए, और किच्चा है यहाँ से ओनली मात्र 15 किलोमीटर। और अभी हवा इतनी भयंकर वाली चल रही है क्या बताएं। और बाकी रोड देख सकते हैं आप, काफी जबरदस्त दिख रही है, हाईवे काफी जबरदस्त गाइस, जबरदस्त। तो है गाइस पंचनगर रेलवे स्टेशन, वो उधर साइड को जहाँ को हमने अभी पीछे दिखाया था आपको। हाय हाय, क्या मस्त लग रहा है, हाईवे इतनी जबरदस्त हो रही है ना। मेन गेम खराब कर दे रहे हैं कि जो बैल हो रहे आए हैं ना रोड में, ये गेम खराब कर दे रहे हैं हमारा। बाकी तो औसम लग रहा है गाइस, औसम हवा चल रही है, खतरनाक वाली ठंडी ठंडी हवा, मस्त आ रही। नगर पालिका परिषद किच्छा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस अभी हवा भी बहुत चल रही है और काफी मजा आ रहा है। अभी शाम के टाइम पे विक्की भाई के साथ घूमने में काफी मजा आ रहा है। तेरा भी होने लग गया है, पर मोबाइल में ना वाइड एंगल लगा रखा है मैंने, तो इसलिए उतना अंधेरा दिख नहीं रहा। पर तो रियलिटी वैसे हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ना। जाड़ा को जाड़ जाड़ा को गए जाड़। ओ दोस्तों, ये है किच्छा की रेलवे स्टेशन, ये सामने है, किच्छा करके लिखा भी है। ये हम पहनली पहुंच चुके हैं किच्छा, और अंधेरा काफी हो चुका है। अब ले लड़ियां जलने लग गई हैं, बीच में जो मस्त लग रही है ना, ये दो पोलू में लगा रखी हैं काफी जबरदस्त। और इधर को थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पर, और हवा इतनी से तेज चल रही है। और उस टाइम तो रूम से ऐसे आगे एक टी शर्ट में, और बाकी किच्छा रेलवे स्टेशन में हम पहुंच चुके हैं। ऑटो ऑटो बहुत दिखने लग गए इधर को, और ये है किच्छा, किच्छा रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप अंदर बाहर जा सकते हैं ना, चिकन मटन इनकी शॉप ऐसी लगी हुई है। धूल कितना जा रही होगी इनमें धूल। बाकी हमारे आगे से बस जा रही है किच्छा नगला, और बाकी ऐसा है मौसम किच्छा का, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ भी, क्यों हमने सोचा क्यों ना आज किच्छा भी घूमाए। तो हम आ गए धनु रानी के साथ किच्छा। यहाँ पर विक्की भाई कर रहे हैं शॉपिंग शॉपिंग तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चीजें, अभी नट वगैरह देखनी है, तो अभी पहले ये चीजें देख लेते हैं, अगर पसंद आती हैं तो कपड़ा शिफॉन का है ना। अब फिर मिलते हैं आपको बाहर, ले रहे हैं शिफॉन का ये वाली दुकान से, पिछौड़ा पिछौड़ा हमने ये वाली दुकान से अभी चूज कर रखा है। और ये है दुकान का नाम यहाँ पे, और बाकी हम पकड़ो हेलमेट पहले। तो यहाँ से हम लोग चौड़ा का भी आएंगे लेने के लिए, और बाकी आप जाते हैं नथ वगैरह देखने के लिए, नथ वगैरह भी देखनी है उधर से। गाइस अभी हम वहाँ से दुकान देख के तो आ गए हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अब नथ वगैरह देखने के लिए। अब किसकी शादी होने वाली है वो आप गैस करना गाइस, कमेंट में बताना भर भर के कि किसकी शादी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं दुकान नथ वगैरह की, एक बार मिल जाए बढ़िया करके, और वो सामने जाते हैं, वहाँ से पहले वहाँ पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों अभी हम आए हैं इधर किच्छा में, और पसंद तो कुछ नहीं आ रहा अभी तक, लेकिन यहाँ से हमें ये चीज़ दिखा बोर्ड, नैनीताल बरेली हल्द्वानी पंतनगर। तो दोस्तों हम फाइनली यहाँ से किच्छा से निकल चुके हैं, पर लेकिन अगर कोई भी यहाँ शॉपिंग करने आएगा ना, कोई अगर लेडीज या कोई भी जिसको लोग शादी के लिए अगर पिछौड़ा वगैरह चाहिए, तो जो दुकान मैंने आपको दिखाया ना सबसे बेस्ट दुकान मेरे को वही लगी पूरे किच्छे के अंदर। मतलब हमने बहुत सारे दुकानों में घूमा, लेकिन सबसे बेस्ट दुकान ना मुझे वो पाजी की लगी, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा था वहाँ, और रेट भी काफ़ी अच्छे थे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वहाँ। हाँ, उनके बोलने का स्वभाव या हर एक चीज़ ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे पाजी का। तो आपसे निवेदन है कि अगर कोई भी अगर पूरे किच्छा में अगर कोई भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना, ये पिछौड़ा छाड़ी वगैरह, तो आप इस दुकान में ज़रूर आना, क्योंकि हमने और दुकान में बहुत सारे दुकान में सर्च किया, लेकिन
इससे बेटर दुकान ना हमें कोई नहीं मिली, तो इसलिए आप आओगे किच्छा में तो आप यही दुकान पर लेना, वो पेड़ के आगे मंदिर के जस्ट आगे से, मंदिर के आगे है ना जोशी जी, वो मंदिर के जस्ट आगे, दुकान का नाम भी दिखाया मैंने आपको, तो आप वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं। और बाकी हम किच्छा से निकल चुके हैं, आई लव HP, HP पेट्रोल पम्प वालों ने लगा रखा आई लव HP। बाकी रात को मौसम देखो दोस्तों ऐसा है कुछ किच्छा में, पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है पूरा, और लाइटें पूरी जगमगा चुकी है, लड़ियाँ भी जगमगा चुके हैं पूरा। दोस्तों हम फाइनली निकल चुके हैं और किच्छा से, और हम जा रहे हैं अभी लाल कुआं की तरफ को, और निकलते हैं धीरे धीरे करके, और जाम ट्रैफिक भी काफ़ी है ही, ट्रैफिक भी काफ़ी दिखने को मिल रही है, और लाइट भी अंधे, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी रात के वक्त। आए थे हम कब, 5:30 पर हम आ गए थे, आए थे उधर से, और अब भी हो चुकी है पूरा अंधेरा हो चुका अभी, और आज हमने फाइनली किच्छा भी घूम लिया है, फर्स्ट टाइम आए थे लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं लाल कुआं, और किच्छा से हम काफ़ी पहुंच चुके हैं, जल्दी पहुंच चुके हैं, ठीक ठीक समय पर पहुंच चुके हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं, और काफ़ी 7 बज रहे हैं, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने रूम के पास, पुलिस थाने के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम कटेंगे अंदर को, और काफ़ी अभी हम चल रहे हैं सीधे आगे को, और ये है अभी लाल कुआं मार्केट, भी दिखाता हूँ को रात को कैसी दिखती है लाल कुआं मार्केट। इधर को पूरी लाइट ही लाइट है, बीच में ना पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा था, जय माता जी, बीच में पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा था, उसकी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करा था क्योंकि पूरा अंधेरा था ना, इसलिए अब देखो आप यहाँ पूरे लाइट ही लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया करके सरकारी देसी शराब की दुकान। चलो गाइस ये है थाना यहाँ पे लाल कुआं पुलिस थाना यहाँ पे, रात को ही अच्छी लग रही है मार्केट, पूरी पूरी दुकानें सज रखी हैं, कपड़े की दुकानें ज़्यादा दिख रही हैं, कपड़े पूरे लगा रखे हैं बाहर से, अभी रात को इतना मस्त लग रहा ना मार्केट, क्या बताएं, पूरा लंबी मार्केट है, और लड़ियाँ भी जो चमक रही है ना चमचमा चम, ये भी उतर जाएंगी अब कुछ एक दो में, आजकल तक की मेहमान है ये भी, शिव मंदिर यहाँ पर है, हर हर महादेव, एक दो दिन में फिर ये लड़ियाँ भी उतर जाएंगी, फिर अजीब सा लगेगा, तो अभी आजकल थोड़ा सही हो रहा है ना लड़ियाँ की वजह से, थोड़ा मार्केट में 4 चांद लगे हुए हैं। दोस्तों हम अभी लाल कुआं मार्केट में रुके हुए हैं, मार्केट को ऐसा दिख रहा है काफ़ी ज़बरदस्त का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और थोड़ा यहाँ पर हमने धन्नू रानी लगा दी यहाँ पर, और यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा, और खाना खाना खाते हैं, यहाँ छोले और भटूरे है क्या है बहुत अच्छे मिलते हैं बल, तो यहाँ पर थोड़ा खाते हैं, उसके बाद फिर सीधे निकलते हैं रूम की तरफ को। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, हमारे नाइट ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, और बाकी आपको मिलते हैं अगले से प्यार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।